जानकारी मुरैना से, कोरोना संक्रमित युवक व युवक अपने घर से फरार हो गया है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं मुरैना से। बीती रात संक्रमित की रिपोर्ट आई थी, युवक की पूर्णता तहसीलदार और थाना पुलिस गांव में पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है परिजनों से। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। ये बड़ी अहम जानकारी मुरैना से आपको बताते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित युवक घर से फरार हुआ है। बीती रात संक्रमित युवक की रिपोर्ट आई थी, पूर्सा तहसीलदार और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं गांव में। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। तो ने कहा भग गए, उन्हें बुला लो, आप बुलाओ, कहाँ है। हमारा कहना तो यही है कि आप उन्हें। तो ये बड़ी जानकारी मुरैना से आपको हम दे रहे हैं, जहां पर एक युवक जो कोरोना से संक्रमित है वो घर से फरार हुआ है। बीती रात ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद अब वो घर से फरार हो गया। फिलहाल संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? अभी तक उस संक्रमित युवक का कोई पता नहीं चला है, वो चंबल के भीड़ों में जाके छुप गया है, क्योंकि जिस गांव का वो रहने वाला है वो चंबल के भीड़ों के किनारे का गांव है। मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को इसने आरटीपीसीआर की जांच कराई थी, इस जांच का रिपोर्ट कल 12 तारीख को शाम को आई है, और जब इसको कोरोना संक्रमित पाया गया, पॉजिटिव पाया गया, तो स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा इसके परिजनों को ये सूचना दी गई थी कि इसको जिला चिकित्सालय या पूर्णा चिकित्सालय में दाखिल कराया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह उसके घर पहुंचेगी, और स्वास्थ्य विभाग की टीम जब उसके घर पहुंची तो वो टीम को देखकर भीड़ों की तरफ भाग गया। उसके परिजनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबाव बनाया, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। वो युवक वहां नहीं आया है, वो भीड़ों की तरफ है। वही इसकी जानकारी मिलते ही पूर्णा का प्रशासन का अमला और पुलिस का अमला, नगरा थाना जो है वहां का पुलिस बल वहां पहुंच गया है। अभी तक जद्दोजहद जारी है, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पा रहा है। प्रशासन और पुलिस दोनों परिजनों पर दबाव बनाए हुए हैं, किसी भी कीमत पर युवक को लाके चिकित्सालय में दाखिल कराया जाए, जिससे उसका इलाज हो सके। मैं आपको बता दूं, ये 20-25 युवक है, और 12 तारीख से 9 तारीख से जब इसकी जांच हुई और 12 तारीख तक 4 दिन लगातार ये गांव के लोगों से संपर्क में रहा होगा और परिजनों के संपर्क में रहा, तो इससे बड़ा संक्रमण फैलने की संभावना बन रही है। और अब भी ये अगर चंबल के भीड़ों पे गया तो चंबल की तलहटी में जो लोग भ्रमण कर रहे होंगे या गाँव वाले चंबल पे जा रहे होंगे, अगर उनके संपर्क में आया तो वहाँ संक्रमण फैल सकता है। जी उपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वाकई में गंभीर स्थिति है, एक युवक जो कोरोना संक्रमित है और लगातार लोगों के संपर्क में रहा होगा, अब उसकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई है तो वो अपने घर से फरार हो गया है, लेकिन जिला प्रशासन के लोग लगातार परिवार के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि युवक को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए।